हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस कंस्ट्रक्शन टॉपिक ऑफ क्लास 10th। नाइन्थ क्लास में अपन ने ट्राइंगल को कंस्ट्रक्शन करना सीखा है। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस डिवाइड लाइन सेगमेंट इन ए पर्टिकुलर रेशियो यूजिंग स्केल, डिवाइडर, कंपास, है ना। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट यूजिंग कंपास एंड स्केल। तो फर्स्ट इसका पार्ट अपन देखते हैं। लेट्स से अपने पास क्वेश्चन है, डिवाइड लाइन सेगमेंट या डिवाइड ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इन द रेशियो 5:8। ठीक है, 10 सेंटीमीटर को 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो अपने पास दिमाग में क्या आता है कि भाई कैलकुलेशन कर लेते हैं 10 का 5:8, दैट इज वन वे, है ना। पर क्या है कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, जैसे अपने पास इस टाइप का मान लो डिवीजन के बाद ऐसा कुछ कैलकुलेशन आ रहा है, लेट से एक आ रहा है अपने पास 4.33333, उस टाइप की कैलकुलेशन एक आ रही है, मान लो 5 पॉइंट जो भी बचा है, ठीक है ना, 5.6666 इस टाइप का कुछ कैलकुलेशन मान लो आ गया, तब वो डॉट पॉइंट कहाँ पे होगा एग्जैक्टली अपन उसको देख नहीं पाएंगे, राइट। स्केल की कुछ लिमिटेशंस है, हर एक पॉइंट जैसे 0.569 ये कहाँ पे होगा स्केल पे, तो अपने को समझ में नहीं आएगा कि ये पॉइंट कहाँ पे, तो उसकी लिमिटेशंस है स्केल की। स्केल पे कुछ ग्रेड्स है कि भाई 1 to 10 में यदि पॉइंट है तो अपने को समझ में आता है कि हाँ ये पॉइंट एग्जैक्ट होगा। अपने को एग्जैक्ट वो पॉइंट बताना है जिस रेशियो में वो 5:8 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, वी आर यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टीज, राइट। तो सबसे पहले स्टेप वाइज स्टेप देखते हैं। स्टेप वन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले यही काम कर लो, एक 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट कर लो। उसके बाद वो लाइन सेगमेंट बनाने के बाद क्या करना है अपने को, ये लाइन सेगमेंट बना लिया मैंने, ठीक है। ए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है अपने पास बी, ठीक है। देन ड्रॉ ए रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए मेकिंग सम एक्यूट एंगल विद ए बी। अब यहां पे मैं एंगल मान लो ले रहा हूं 30 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी 32, कुछ भी ले सकते हो आप। एक ऐसी लाइन बनानी है आपको, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी एक एंगल के साथ एक लाइन बनानी है आपको। ये लाइन कुछ, ये एंगल का कोई ऐसा स्पेसिफाई नहीं है कि ये एंगल फिक्स होना चाहिए। यहाँ पे मान लो मैं 30 डिग्री ले रहा हूँ, आप कोई भी एंगल ले सकते हो यहाँ पे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही एंगल लो। अब इसका फायदा, अब क्या कर रहा है नेक्स्ट, ये तो अपन ने ड्रॉ कर दिया एक लाइन, ठीक है ना। आप ऑफ एनी एंगल लिखो, एक्यूट एंगल विद ए बी, ठीक है, कोई भी एक्यूट एंगल बनाते हुए लाइन बना ली। नेक्स्ट अपना प्रोसेस क्या होगा, देखो यहाँ पे 5:8 में इसको यदि डिवाइड करना है तो आप क्या करो, इसको ऐड करो पहले, 5 + 8 = 13, तो इसको इस लाइन को 13 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करो, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, कंपास उठाएंगे और एक छोटा सा आर्क लेके ऐसे ऐसे 13 इक्वल पार्ट्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 एंड ये आ गया अपने पास 13 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो ये पॉइंट मान लो अपने पास है A1, ये A1 हो गया अपने पास, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया, सिमिलरली, है ना, ये पॉइंट है A6, ठीक है, ऐसे ये पॉइंट क्या हो गया अपने पास A13, ठीक है।
समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब ए बी को अपने को डिवाइड करना था, तो अपन ने 5 + 8 = 13, 13 इक्वल पार्ट्स में दूसरी जो लाइन अपन ने ए एक्स बनाया है उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। स्टेप 3, डिवाइड रे ए एक्स इन 13 इक्वल पार्ट्स, है ना। कोई भी एक आर्क लेके, है ना, यूजिंग कंपास। दिस लेंथ कैन बी एनीथिंग, बट एक बार आपने लेंथ को चूज कर लिया कि भाई ये लेंथ लेनी है, तो फिर वो आर्क, ये जो है ना, अपन बोल सकते हैं कि ए ए वन इज इक्वल टू होना चाहिए ए वन ए टू, ये डिस्टेंस है सारी, ऐसे ही ए 12 ए 13, ये सब डिस्टेंसेस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी इसका कुछ मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से आपको इसको डिवाइड करना है, और इस तरीके से आप डिवाइड कैसे कर पाओगे, आप कंपास उठाओगे और इक्वल आर्क काटते जाओगे, है ना, सेम रेडियस का आर्क आप काटते जाओगे, तो आपको क्या मिल जाएंगे, इक्वल पॉइंट्स डिस्टेंस पे, इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स मिलेंगे, ये सब डिस्टेंसेस इक्वल है। अब क्या करना है, अब क्या करो, बी पॉइंट को आप इस पॉइंट ए 13 से मिला दो, है ना, ज्वाइन बी पॉइंट टू ए 13, ठीक, ए 13 को मिला दिया अपन ने, तो एक लाइन सेगमेंट आया बी ए 13, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ये एंगल नाप दो यहां से, और 5:8 के रेशियो में आपको डिवाइड करना था, तो 5 पहले रखना है, 8 बाद में रखना है, तो आपने क्या किया, A5 पे यही सेम एंगल के साथ ऐसे एक आर्क बनाएंगे आप, ठीक है, ऐसे, सॉरी, इस तरीके का एक आर्क बनाएंगे, और ऐसा कुछ इसका कटेंगे, लेट से अपन ने क्या किया है, ये एंगल को और ये एंगल को इक्वल रखा है, राइट। इससे होगा क्या, इससे ये होगा, ये मान लो पॉइंट नया मिला सी, सो स्टेप 5, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बी ए 13, थ्रू ए 5, विच कट्स ए बी 8 सी, ठीक है ना, सी पे कट कर रहा है। अब अपने को अब जो मिला है सी पॉइंट अपन कंफर्म है कि इसको 5:8 में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है ना, इसका जस्टिफिकेशन देते हैं। देखो जस्टिफिकेशन क्या है, मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल BA A 13 इज सिमिलर टू ट्राइंगल CA A 5, बोलो सही है बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि देखो ये इसके एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और ये एंगल मैंने थीटा तो सेम है, तो तीनों एंगल दोनों ट्राइंगल में सेम हो गए हैं, हैंस अपन बोल सकते हैं AA13 अपॉन AA5 इज इक्वल टू AC, AA13 के कॉरस्पॉन्डिंग है अपने पास ये BA या AB अपन बोल सकते हैं अपॉन CA, राइट। तो BA अपॉन CA क्या आ गया अपने पास, BA पूरा यदि अपने पास 13 है तो AC कितना होगा, 5 होगा, ये बोल रहा है
13 है तो AC कितना होगा 5। ये यहाँ से अपन बोल सकते हैं क्योंकि ये जो लेंथ है ये क्या है अपने पास 13 है और AA 5 कितना है 5, तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि BA अपॉन CA, ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, इज इक्वल टू होगा 13 अपॉन 5 और फ्रॉम हियर वी कैन से BA अपॉन CA अपने पास 13 बाई 5 हो गया, तो माइनस इसको ऐसे लिख लो कि CA अपॉन BA अपॉन CA ना, ये BA अपॉन CA, तो BA में से आपको अपने को AC अपॉन CB निकालना है, AC अपॉन CB निकालना है, राइट, AC अपॉन CB, तो इसको अपन ले लेते हैं, लेट से CA को कुछ लैम्डा, तो BA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 बाई 5 CA और BA को मैं लिख सकता हूँ क्या, BA को लिख सकता हूँ AC प्लस CB, ठीक है, BA को मैं लिख सकता हूँ AC प्लस CB इज इक्वल टू 13 बाई 5 CA, है ना। अब AC से डिवाइड कर दो सबको, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस, अपने को तो चाहिए AC अपॉन CB, तो वही रेशियो आ जाएगा, देखो 1 प्लस CB अपॉन AC इज इक्वल टू 13 बाई 5, तो CB अपॉन AC इज इक्वल टू 13 माइनस 5 8 बाई 5, तो यहाँ से AC अपॉन CB क्या आ रहा है बच्चों 5 बाई 8, क्लियर है पॉइंट। तो ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया कि हाउ टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन ए पर्टिकुलर रेशियो, क्लियर है पॉइंट। अब इसी चीज का एक मेथड वन था ये, इसी चीज को अपन एक दूसरे मेथड से कर रहे हैं, मेथड टू, ठीक है, मेथड टू रेशियो वही है, दिस वाज मेथड वन, नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं मेथड टू, ये क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा, सिमिलर एंगल ट्राइंगल का अपन यूज कर रहे हैं यहां पे, तो जो लाइन अपन नहीं बना रहे हैं वो लाइन कोई भी लाइन हो सकती है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एंगल, बस एक्यूट एंगल होता है तो अपन क्या दिखने में आसानी होती है, अपने को चीजें करने में आसानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस मेथड में देखो अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ए बी बना रहे हैं, ये लाइन ए बी बना दी अपन, थोड़ा इस तरीके से बना रहे हैं टिल्टेड, ये लाइन ए बी बना दी, व्हाट वी आर डूइंग, कोई भी एक एंगल पकड़ो, कोई भी एक एंगल पकड़ो यहां पे, ठीक है, इसके ऊपर उस एंगल को ऐसे लेके एक आर्क बना दिया, सेम आर्क यहां बना दो, अब जो एंगल यहां ले रहे हो आप कोई भी ले लो, चाहे 30 डिग्री 60 डिग्री कोई भी ले लो, अपन 60 सबसे इजी होता है तो फर्स्ट कट ही ले लेते हैं, मान लो ये एंगल इसका 60 डिग्री है, ठीक है, तो अपन 60 डिग्री एक एंगल पे एक लाइन बना चुके हैं, ये लाइन आगे कहीं तक जा रही है, मान लो x तक जा रही है, यहां पे भी अपन ने क्या किया 60 डिग्री एंगल का एक लाइन बनाया, ये मान लो इसका y तक जा रहा है, हॉरिजॉन्टल होना कोई जरूरी नहीं है, बस ये तो देखने के लिए अपन देख रहे हैं, बाकी AB को एज लाइन सेगमेंट मानते हुए AB के एंड्स पे दो पैरेलल लाइंस अपन बना रहे हैं इस तरीके से, समझ में आ रही है क्या बात, बोलो क्लियर है पॉइंट, इस तरीके से अपन ने बना दी। अब अपन को क्या करना है, देखो अगेन इसका लॉजिक क्या है, अपन इस तरीके से दो लाइंस बना रहे हैं, सिमिलर एंगल ट्राइंगल का यूज करना चाह रहे हैं अपन, ये दोनों लाइंस मान लो पैरेलल है और ये लाइंस मेरी मान लो ए बी है, यदि इसको मैं 13 दे दूं और इसको यदि मैं इसको मैं यदि 5 दे दूं और इसको यदि मैं 8 दे दूं, ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर होंगे, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, यदि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो तो आपस में सिमिलर होंगे, तो सिमिलर ट्राइंगल में मुझे पता है यदि ये ए बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो मैंने बोला ए सी अपॉन सी बी, सिमिलर से मैं बोल सकता हूँ क्या होगा डी बी अपॉन ए ई के, ए सी कॉरस्पॉन्डिंग टू तो ए ई, ए ई अपॉन डी बी, ए ई अपॉन डी बी,
तो ये होगा 5, ये होगा 8, ये होगा 5। AC अपने पास क्या है यहाँ पे, AC को अपने को रखना है 5, तो AC को 5 रखना है तो इसको 8 दे देंगे और इसको यहाँ पे 5 दे देंगे, तो ये 5/8 के रेशियो में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या करना चाह रहे हैं अपन, क्लियर है पॉइंट? तो मेरे को ऊपर तो कितने बनाने हैं, अपने को ऊपर कितने बनाने, ऊपर 8 है ना, AC मुझे रखना है ना 5, AC मुझे क्या रखना है, एक अपने को इस तरीके से डिवाइड करना है कि AC 5 और CB क्या हो अपने पास 8, राइट। AB को आप डिवाइड कर रहे हो तो जो पहले दिया हुआ उसको अपन पहले लेते हैं, तो AC अपॉन, एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि AC अपॉन CB इज गिवन टू अस 5/8, ठीक है। तो AC अपॉन CB यदि 5/8 है तो AC के जो AC की तरफ जो लाइन है उस पर अपन बनाएंगे 5 ब्लॉक्स, 5 ब्लॉक्स बनाते हैं पहले। ये तो एक आर्क बन गया अपना, अब आर्क आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, फर्स्ट आर्क, अब एक बार आर्क ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कट लग गए इक्वल, सेम आर्क के साथ इसको कितने में बांटेंगे अपन, ये 5 में बट गया तो ये 8 में बटेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, करेक्ट। समझ में आ रही है के बाद ये पॉइंट मिल गया अब अपन को, और एक ये पॉइंट मिल गया, ये यहाँ से कितना है 5 यूनिट, ठीक है, ये यहाँ से कितना है, जो भी आपने यूनिट ली है 8 यूनिट, मैं सेंटीमीटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, 5 यूनिट और 8 यूनिट, ये अपने पास 10 सेंटीमीटर में है जो अपने को दिया हुआ है, यहाँ पे यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 यूनिट कौन था, जितना भी आपने लिया है वो 5 यूनिट है यहाँ पे। अब इस लाइन को मैं यदि ज्वाइन कर देता हूँ किससे, ये सी पॉइंट अभी अपने को पता नहीं है, सी पॉइंट ही तो अपन को निकालना है, तो इस लाइन को यदि ऐसे मैं ज्वाइन कर दूं, ये एक लाइन जो मिले है अपने को, ये लाइन जिस पॉइंट पे कट करेगी इस ए बी को, वो ऐसा पॉइंट होगा सच दैट ए सी अपॉन सी बी विल बी इक्वल टू व्हाट, 5/8। इसका मैं प्रोसेस समझा रहा हूं, इसका जो राइटिंग है वो आपने खुद से लिखनी है। सबसे फर्स्ट प्रोसेस, ड्रॉ ए लाइन ए बी, स्लांट बना दो बेटर है, ड्रॉ ए लाइन ए बी एट द एंड, एट द ईच एंड ड्रॉ पैरेलल लाइंस, है ना, एट द ईच एंड ड्रॉ टू लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, इस तरीके से, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, अब पैरेलल आपको कैसा भी रख सकते हो, एंगल इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको बस एक्यूट रखो तो बेटर है, ठीक है। अब पैरेलल लाइन बन गई, पैरेलल लाइन बनने के बाद कोई भी एक आर्क उठाया है ना, है ना, पी के आर्क ऑफ एनी रेडियस एंड डिवाइड दिस रे, या अपन बोल सकते हैं कि कट 5 आर्क ऑन दिस लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए, ए से ओरिजिनेटेड 5 आर्क कट कर दिए विद सेम आर्क, इंपॉर्टेंट है ये जो लेंथ है ना, आर्क लेंथ, सेम आर्क लेंथ है ये यदि एक्स है तो ये लेंथ भी एक्स है। बात समझ में आ रही है क्या, ऐसा नहीं है कि यहां पे आपने कुछ आर्क लेंथ लिया है और आपने यहां पे बस जगह कम दे रही थी, हो रही थी तो आप छोटा कर दिया उसको, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, छोटा जगह नहीं बच रही तो उसको थोड़ा उधर ले लो, बट आपको आर्क लेंथ सेम रखनी है यहाँ पे, तभी इस बात का कुछ मतलब है, क्योंकि ये इसके रेस्पेक्ट में कितना है ये अपने को चाहिए, राइट। ये 5 यूनिट है तो ये 8 यूनिट है, ये अपने को इन दोनों का रेस्पेक्टिव जो रेशियो है वो अपने को चाहिए, उसी रेशियो में अपना ये चीजें होंगी, ठीक है, कर लिया। उसके बाद ज्वाइन है ना, इसको AC की तरफ जो है तो 5 में बांट दिया, और CB की तरफ जो है उसको अपन ने 8 पार्ट्स में बांट दिया। नाउ जॉइन एंड पॉइंट, अपन इसको बोल सकते हैं ये अपने पास B, तो ये B 8 है, है ना, और ये अपने पास है मान लो A 5। नाउ जॉइन B 8 एंड A 5, इट कट्स द लाइन AB 8 C, नाउ ए सी अपॉन सी बी विल बी 5/8, और यही अपने को चाहिए था। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में बच्चों क्या है सिमिलर, बिकॉज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि दोनों पैरेलल है, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ठीक है,
तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए, तो ए सी अपॉन सी बी का रेशियो अपन बोल सकते हैं सिमिलरिटी से ए सी अपॉन सी बी का रेशियो। तो यहाँ पे ट्राइंगल कौन कौन से सिमिलर है बच्चों, ट्राइंगल ए सी बी या ए सी ए सी ए फाइव इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी पॉइंट, राइट। तो बी ट्राइंगल बी बी सी बी एट। तो यहां से देखो आपने को क्या समझ रहा है, समझ में आ रहा है ए सी अपॉन सी बी। देखो ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए ए फाइव, ए ए फाइव अपॉन बी बी एट। क्लियर है पॉइंट। तो ए ए फाइव कितना हो गया अपने पास 5, और बी बी एट है अपने पास 8 यूनिट, यूनिट से यूनिट कैंसिल, ए सी अपॉन सी बी क्या आ जाएगा 5:8, तो अपना रेशियो बन गया। ठीक है, सो दिस इज मेथड नंबर 2। ठीक है, समझ मारिए के बाद नेक्स्ट देखो, एक टेंजेंट्स का ड्रॉइंग ए टेंजेंट फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं अपन, ड्रॉइंग ए पॉइंट फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट, ड्रॉइंग ए टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट जो है सेंटर से जो रेडियस बनती है उसके परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में। तो सबसे पहले व्हाट इज टेंजेंट, एक सर्किल पे अपन को यदि टेंजेंट लिखनी है किसी पॉइंट से, तो वो उसकी खास बात होगी कि उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो ये रेडियस है, सेंटर से ड्रॉन जो पॉइंट है, वो हमेशा इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं आपस में, उस पे आपस में क्या होंगे बच्चों, परपेंडिकुलर होंगे। ऐसा यदि हो गया तो वो हमेशा टेंजेंट होगी। क्लियर है बात। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे इफ एनी लाइन मीट्स द सर्किल एट सम पॉइंट एंड द पॉइंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सेंटर, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सेंटर, इफ दैट लाइन सेगमेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द गिवन लाइन, देन दैट लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्किल। ठीक है, ये अपने को डेफिनेशन पता लग गई। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का अपन यूज करने वाले हैं बच्चों। तो मैंने बोला क्वेश्चन अपना है कंस्ट्रक्ट, अच्छा सबसे पहले अपन सर्किल की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन की बात करते हैं। यदि पॉइंट अपने को अंदर दिया हुआ है सर्किल के और बोल रहा है कि ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, तो अपने को क्या क्या गिवन है, सर्किल गिवन है और ये पॉइंट गिवन है, ड्रॉ टेंजेंट्स टू दिस सर्किल। तो अपन बोलेंगे कि नो सर टेंजेंट्स कैन बी, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इनसाइड पॉइंट, है ना, इनसाइड पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपने पास बात आती है इफ पॉइंट इज ऑन दी कर्व, कर्व पे होगा तो अपन एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। बात करेंगे ये कैसे करेंगे। ठीक, फिर अपने पास आता है थर्ड पॉइंट, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड दी, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड दी सर्किल, आउटसाइड दी सर्किल से दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है बच्चों इस तरीके से। तो यहाँ पे अपने पास टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं अपन। तो इन तीनों का अपन केस बात करते हैं, ये तो हो गया, इसमें तो ड्रॉ ही नहीं कर सकते, तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है। फिर सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड केस है कि कोई पॉइंट दिया हुआ है सर्किल के ऊपर और उस पर आपको टेंजेंट बनानी है। मान लो ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पर आपको क्या बनाना है बच्चों, टेंजेंट। तो कैसे बनाएंगे, सेंटर पता है सर्किल का, क्योंकि अपन ने उस रेडियस का, मान लो इसका यूनिट रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का एक सर्किल है, किसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। सो हाउ टू ड्रॉ ए टेंजेंट, सो वॉट वी विल से, वी वॉट वी हैव करंटली, वी हैव दिस पॉइंट ए, दिस सर्किल, दो चीज़ें हैं अपने पास। अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेंटर ओ को ए से ज्वाइन कर दो, सेंटर ओ को ए से ज्वाइन कर दो, तो एक लाइन सेगमेंट मिला। अब मुझे इसका प्रॉपर्टी पता है कि जो ओ ए है, ओ ए में जो बोल रहा हूँ वो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बेसिकली एक लाइन अपने को दी हुई है और उसके अपने को क्या निकाल बताना है, एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। बना सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल। अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को मानते हुए यहाँ पे एक क्या बनाएंगे, इस तरीके से गोला, फर्स्ट कट, सेकंड कट,
है ना, मान लो इस तरीके से गोला बनाया, फर्स्ट कट सेकंड कट उन दोनों का बीच का कट वो अपने को क्या बन दे देगा 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो। तो इस पॉइंट से पास करता हुआ परपेंडिकुलर टू ओ ए मेरे को मिल जाएगा। बोलो, इस पॉइंट पे 90 डिग्री वाली लाइन अपन बना सकते हैं, एंगल बनाना जानते हैं। तो ये हो गया सेकेंड, ठीक है। फिर अपन आते हैं थर्ड पे, थर्ड पार्ट इसका, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम टेंजेंट्स टू ए सर्किल, टू ए सर्किल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। बात समझ में आ रही है कि एक ऐसा सर्किल है, पहले इसका रफ डायग्राम बनाते हैं, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल है, उससे 8 सेंटीमीटर दूरी पे, 8 सेंटीमीटर दूरी का मतलब ये तो 5 हो गया तो ये छोटा होगा, 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वहां से आपको क्या ड्रॉ करनी है बच्चों, टेंजेंट इस तरीके से, ये रफ स्केच हो गया इसका, ठीक बात है ना। टू कंस्ट्रक्ट, ये चीज अपने को कंस्ट्रक्ट करनी है। नाउ वी हैव व्हाट, वी आर यूजिंग वन प्रॉपर्टी कि एक सर्किल पे जो डायमीटर होता है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है कि नहीं हर एक सेक्टर में, ये जानते हैं कि नहीं अपन, ये बात जानते हैं। इस बात का, इस प्रॉपर्टी का अपन यूज करने वाले हैं टू कंस्ट्रक्ट दिस टेंजेंट। अब कैसे, फर्स्ट स्टेप देखो इसमें, बहुत सिंपल, ये पॉइंट मान लो ओ है सेंटर, ये पॉइंट मान लो ए है सेंटर, ठीक है, ए पॉइंट है जो 8 सेंटीमीटर है। अब मैंने बोला ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है अपने को, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए। तो फर्स्ट जॉब इज ओ ए, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन कैसे बनाते हैं, ऐसे यहाँ से उसी आर्क का, ऐसे यहाँ से सेम आर्क का, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का तरीका आपने 9th क्लास में पढ़ा है, हाउ टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको क्या करना है, ओ ए लेंथ पे आपको ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो एक आर्क जिसका रेडियस होना चाहिए हाफ ऑफ ओ ए से ग्रेटर, है ना, रेडियस क्या होना चाहिए हाफ ऑफ ओ ए से ग्रेटर, कितना भी जो भी ओ ए लेंथ है उसके आधे से ज्यादा होनी चाहिए उस रेडियस की, उसका रेडियस, ठीक है, हाफ ऑफ ओ ए से ज्यादा होगा तो क्या होगा अपन इजीली, नहीं तो क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे ना कभी, अपने को क्या करना है ए से डिस्टेंस और ओ से जो डिस्टेंस है उसको आपस में कट करवाना है। यदि हाफ ऑफ ओ ए से डिस्टेंस उसकी आर्क की कम हो गई तो एक आर्क यहाँ आएगा एक आर्क यहाँ आएगा, ये आपस में कट ही नहीं करेंगे, तो अपने को उन दोनों आर्क को आपस में कट करवाना है, तो ओ ए की आधी से ज्यादा होना चाहिए डिस्टेंस, तभी वो एक दूसरे को कट कर पाएंगे बच्चों। और मैक्सिमम कितना भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, आप ओ ए के इक्वली भी ले सकते हो, बट इसमें आपके पास चॉइस ये है कि एक आर्क उठाया आपने, उस आर्क से ऊपर कट किया नीचे कट किया, एक आर्क दूसरा उसी सेम रेडियस का आर्क ऊपर कट गया नीचे कट गया विद सेंटर ए एंड ओ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में इसका अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से मान लो ये आर्क था, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहला काम, स्टेप 1, ड्रॉ ए सर्किल फर्स्ट, उसके बाद ज्वाइन ओ ओ ए, ए डिस्टेंस अपन को दी हुई है कि ये डिस्टेंस कितनी है यहां से,
8 सेंटीमीटर है राइट, और ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी है अपने को दिया हुआ है कि 5 है ठीक है। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं वो पूरा प्रोसेस मैंने आप जानते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OA, शॉर्ट में मैं यही लिख रहा हूँ। आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा राइट। स्टेप 3, नाउ व्हाट वी विल डू, ये जो पॉइंट मिला है लेट दिस पॉइंट बी डी या सी पॉइंट मान लो। इस पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया है ना, सी इज ए पॉइंट विच इज बाइसेक्टिंग OA, OA को बाइसेक्ट करता है और ये इस पर 90 डिग्री भी है। अब मैंने क्या किया, एक सर्किल बनाया जिसका, अब मुझे पता है ये पूरा 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया बोलो। अब मैं क्या करूंगा, एक 4 सेंटीमीटर सर्किल का, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाऊंगा। 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक अपन ने क्या बना दिया बच्चों, सर्किल। 4 सेंटीमीटर रेडियस का जैसे ही अपन ने सर्किल बनाया, लेट दिस सर्किल कट्स एट टी एंड टी डैश, और जब अपन अपन इस पी, अरे ये भी मान लो मैं कंस्ट्रक्शन में रखता हूं इसको, ये पॉइंट इसको टी और टी डेस पे मान लो कट करते हैं, तो ए पॉइंट का जो भी आउटसाइड पॉइंट था, ए को टी से ज्वाइन कर दो, ए को टी डेस से ज्वाइन कर दो, ए को टी से ज्वाइन कर दो और ए को टी डेस से ज्वाइन कर दो, तो ए टी और ए टी डेस इसकी क्या बन जाएगी बच्चों, टेंजेंट। नाउ ड्रॉ ए सर्किल विथ रेडियस सी ओ विथ सेंटर सेंटर सी, इट कट्स गिवन सर्किल 8 टी एंड टी डैश, टी ओ टी डैश पे इसको कट करता है। स्टेप 5, ए टी एंड ए टी डैश, दो पॉइंट मिल गया ना। अब एक लाइन को बनाने के लिए दो ही तो पॉइंट चाहिए अपने को, तो नाउ ए टी एंड ए टी डैश आर टेंजेंट्स टू दिस गिवन सर्किल। अब इसका प्रूफ, ये तो समझ में आया होगा प्रोसेस, अब इसका प्रूफ मैं इसको जस्टिफाई करता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो आप ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, इससे बना के एक यदि सर्किल बनाया तो ऐसे कुछ मान लो पास किया ठीक है। अभी मेरे को टेंजेंट नहीं पता ठीक है, मैं आप टेंजेंट को छोड़ो, अभी इस चीज को छोड़ दो। आप इस पॉइंट, जो भी पॉइंट हुआ, मैं तो बोल रहा हूं कि ये टेंजेंट नहीं है लिट से, है ना, प्रूफ कर रहा हूं मैं इसका, जो अपन ने बोला है उसको जस्टिफिकेशन या अपन बोल सकते हैं प्रूफ। इस पॉइंट को टी को और टी डेस को इस तरीके से आपने ज्वाइन कर दिया और यहां से भी ऐसे ज्वाइन कर दिया राइट। अब अच्छे से बात समझना, अब इस सी के लिए समझो, सी के लिए ये क्या है, सी के लिए ये एक सर्किल है विद सेंटर सी और एओ इज ए डायमीटर, AO is diameter, right? AO यदि diameter है तो इस सर्किल के कोई भी पॉइंट पे वो एंगल कितना बनाएगा बच्चों, 90 डिग्री। ये अपन जानते हैं कि कोई भी डायमीटर उस सर्किल के किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अपन यहां से this implies एंगल ATO एंड एंगल ए टी डेस ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है, ए ओ यदि डायमीटर है तो ये एंगल दोनों 90 डिग्री होंगे। हैंस अब यदि ये 90 डिग्री है तो अपन ये बात बहुत आराम से प्रूफ कर सकते हैं कि यदि इस पॉइंट पे ये लाइन
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, यही टेंजेंट की डेफिनेशन मैंने बताई थी अभी, कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कोई भी लाइन यदि सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो इट मस्ट बी ए टेंजेंट होगी, और कोई उसके पास ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज AT एंड AT डैश आर टेंजेंट। समझ में आया क्या बात? सो आई थिंक कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट इज क्लियर टू यू। सो यही था आपके कंस्ट्रक्शन में, इतना ही है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।